चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में बीती रात को हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र में बिजली गुल हो गई। रात से लेकर दिन तक बिजली गुल रही, वही पानी की आवक होने से कस्बे के तालाब की चादर चलने के कारण राशमी कस्बे का अंबेडकर बस स्टैंड एवं बैंक चौराया जलमग्न हो गया, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के बरसाती नाले पर बने प्रमुख दो नाले में जाम होने के कारण सड़क व बस स्टैंड पर पानी बहने से जलमग्न हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नालों की स्वीकृति जारी हो जाने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है, जिससे आज ये स्थिति बनी है। अगर समय रहते बरसाती नाले को चौड़ा करके बढ़ा कर दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। खबर आपकी राजस्थान से, रतनलाल कीर की स्पेशल रिपोर्ट। कल रात को जबरदस्त बरसात होने से राशमी गांव के बाहर नाले के ऊपर और राशमी बस स्टैंड पर जो पानी भराया है, ये राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से भराया है। सरकार को दो वर्ष पूर्व यहाँ नाले को चौड़ा करने हेतु और इसकी ऊंचाई बढ़ाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजे थे। राज्य सरकार ने इस मामले को हल करने हेतु इस समस्या के समाधान में बहुत देरी कर दी। अभी लगभग 15 दिन पूर्व इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है, इसलिए इस बार काम नहीं हो सका सरकारी गलत नीति के कारण। और आशा है अब प्रशासन इसको और ध्यान देगा और इस नाले को चौड़ा कराने में और इसकी हाइट बढ़ाने में मदद करेगा, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।